दोस्तों आप सभी के फ़ोन में प्ले स्टोर ज़रूर होता है और आप सभी को जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है तो आप प्ले स्टोर से ही जाकर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम आपको आपके प्ले स्टोर की चार ऐसी खुफिया हिडन सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें दोस्तों एक बार अगर आप ऑन कर लेंगे तो दोस्तों यकीन करना फिर ज़िंदगी में कभी भी आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा, आपके फ़ोन की स्टोरेज कभी नहीं भरेगी, साथ ही आपके मोबाइल डाटा कभी नहीं ख़त्म होगा। साथ ही दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपकी बैटरी बैकअप को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। दोस्तों इन चार सेटिंग की मदद से आप प्ले स्टोर की जो है इनकी मदद से आप अपने फ़ोन को बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं। अगर आपका फ़ोन पुराना है, हैंग हो गया, लैग कर रहा है, बस दोस्तों आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, उसके बाद दोस्तों आपको इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए दोस्तों बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले यहाँ पर आप इस बटन को प्रेस करके वीडियो को कर दीजिए लाइक, उसके बाद यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद इस बेल आइकन को प्रेस करके यहाँ पर ऑल पर सेट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जाना हो, कमेंट बॉक्स में एक अच्छी सी कमेंट लिख देनी है, आपको नाइस बैटरी सेविंग ट्रिक लिख के सेंड कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आना, बैक आने के बाद दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है। आप जैसे इतना कुछ कर लेते हैं तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों यकीन करना आज की वीडियो के अंदर हम आपको आपके प्ले स्टोर की जो चार सेटिंग्स बताने जा रहे हैं, ये चारों सेटिंग्स आपके लिए इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं कि आपका फ़ोन हमेशा बिल्कुल नया जैसा बना रहेगा और ना ही आपका फ़ोन हैंग होगा, ना लैग करेगा, ना कभी आपके फ़ोन की स्टोरेज भरेगी, ना मोबाइल डाटा ज़्यादा ख़त्म होगा, साथ ही दोस्तों आपके फ़ोन की बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा चलने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पहली सेटिंग की, पहली ट्रिक की। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर अपने लोगो पर क्लिक करना है। लोगो पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। अब दोस्तों आप जब सेटिंग में जाएंगे तो यहां पर आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अबाउट का, तो यहां पर आपको टाइप करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे नीचे जाना है और सबसे नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन, और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ डिवाइस इज सर्टिफाइड। अब दोस्तों वैसे तो ये एक सिंपल सी सेटिंग है, सिंपल सी ट्रिक है, यहाँ पर आपको आना और चेक करना है कि आपकी डिवाइस जो है यानी कि आपका स्मार्टफोन है वो भी सर्टिफाइड है कि नहीं है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर डिवाइस इज सर्टिफाइड लिखा हुआ नहीं मिलता है तो आप समझ जाइए कि आपके फ़ोन में बहुत सारे इशूज़ हैं, फिर आपको अपने फ़ोन को बहुत जल्द सर्विस सेंटर पर ले जाना होगा और अपनी डिवाइस को अपडेट कराना होगा। लेकिन दोस्तों बहुत रेयर मामलों में, बहुत कम मामलों में ऐसा होता है, वरना हर एक फ़ोन के अंदर आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपकी डिवाइस सर्टिफाइड है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये चेक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको सेकेंड सेटिंग अपने फ़ोन में करनी है, और इस सेकेंड सेटिंग का फ़ायदा क्या होगा कि इससे दोस्तों आपके फ़ोन का मोबाइल डाटा काफ़ी ज़्यादा बचेगा, साथ ही आपके फ़ोन की बैटरी को भी ये सेव करेगा। तो इसके लिए आपको ऊपर आना है और ऊपर यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिल जाएगी नेटवर्क प्रेफरेंस की, तो यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको ऑटो अपडेट्स ऐप की सेटिंग मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपको टैप करना है, इसे डोंट ऑटो अपडेट ऐप पर सेट करके डन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप सभी अपने फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस रखते हैं और उन एप्लीकेशन में पर डे कुछ छोटे मोटे अपडेट्स पर डे आते रहते हैं जो कि हमारे काम के भी नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने यहाँ पर ऑटो अपडेट पर सेट करके रखा तो बैकग्राउंड में आपका फ़ोन जो है उन एप्लीकेशंस को अपडेट किया करता है, इससे दोस्तों आपका मोबाइल डाटा खत्म होता रहता है, आपकी बैटरी ड्रेन होती रहती है और आपको पता भी नहीं चलता है कि हमारे फोन के बैकग्राउंड में इतना सारा प्रोसेस चल रहा है। तो इस सेटिंग को करने से दोस्तों आपको दो बड़े फायदे होने वाले हैं, आपका मोबाइल डाटा सेव होगा, साथ ही दोस्तों आपके फोन की बैटरी काफी ज्यादा बचने वाली है। उसके बाद दोस्तों अब आपको अपने प्ले स्टोर के अंदर तीसरी सेटिंग करनी है, और तीसरी सेटिंग का फ़ायदा यह होगा कि आपके फ़ोन की जो स्टोरेज है वो कभी नहीं भरेगी, साथ ही इससे आपका फ़ोन कभी भी हैंग नहीं होगा, लैग नहीं करेगा। कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो एप्लीकेशन काफ़ी देर में ओपन होती है, तो इन सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपने कोई एप्लीकेशन जो है डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से उस एप्लीकेशन को आए और यहाँ से आपने ऐसे अनइंस्टॉल कर दिया। अब आपने सोचा कि हमारी एप्लीकेशन तो यहां से अनइंस्टॉल हो गई, लेकिन दोस्तों आपकी एप्लीकेशन यहां से तो अनइंस्टॉल हो गई लेकिन प्ले स्टोर में वो एप्लीकेशन आपकी बैकअप बनाकर पड़ी रहती है जो कि आपका काफी ज्यादा स्टोरेज घेर कर बैठी रहती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहां पर आपको अपने लोगो पर क्लिक करना है, और लोगो पर क्लिक करने के बाद मैनेज एप्स एंड डिवाइस पर क्लिक करना है, और यहां पर आपको उसके बाद मैनेज पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप मैनेज पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिख जाएगा, यहां पर टाइप करना और यहां पर नीचे नॉट इंस्टॉल्ड पर टाइप करना है।
अब दोस्तों यहाँ पर आपको वो सभी एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगे जो आपने अपने फ़ोन से इंस्टॉल किए थे और उसके बाद डिलीट कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर वो सभी एप्लीकेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे जो आप देख सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो आपको यहाँ पर एक एक करके आप देख सकते हैं, जैसे टिक करेंगे तो यहाँ पर 3 MB आप देख सकते हैं, 11 MB, उसके बाद 20 MB, फिर 28 MB। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इन सभी को एक एक करके ऐसे रिमूव कर देना है, डिलीट कर देना है। इससे दोस्तों आपकी स्टोरेज खाली हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, और आपका स्टोरेज की वजह से जो आपका फ़ोन लैग करता था, हैंग करता था, स्लो चलता था, उन सभी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों ये तीसरी सेटिंग करने के बाद अब आपको अपने प्ले स्टोर में चौथी सेटिंग करनी है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा VIP है, और इससे दोस्तों कभी भी ज़िंदगी में आपका फ़ोन स्लो नहीं होगा, हैंग नहीं करेगा, लैग नहीं करेगा, आपकी बैटरी का कोई इशू नहीं आएगा, इंटरनेट का कोई इशू नहीं आएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने लोगो पर क्लिक करना है। लोगो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्ले प्रोटेक्ट का, तो यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर ऊपर आपको सेटिंग का लोगो मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको इसे इस तरीके से ऑन कर लेना है और बैक चले आना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये तुरंत आपके फ़ोन को प्ले स्टोर आपका स्कैन करेगा, और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं लिख के आ चुका नो हार्मफुल ऐप्स फाउंड, यानी कि हमारे फ़ोन में कोई भी हार्मफुल एप्लीकेशंस नहीं है। तो दोस्तों इस सेटिंग को ऑन करने से फ़ायदा ये होगा कि आपके फ़ोन में अगर कोई भी ऐसी एप्लीकेशंस होगी जो आपकी बैटरी को ज़्यादा ड्रेन कर रही होगी, आपके फ़ोन को स्लो कर रही होगी, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा रन कर रही होगी, तो तुरंत आपको ये सेटिंग बता देगी और आप उस एप्लीकेशन को फौरन डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो बस दोस्तों प्ले स्टोर की चारों सेटिंग्स को ऑन करके आप अपने फ़ोन को हमेशा नए जैसा बना सकते हैं। दोस्तों यही था इस वीडियो में, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे भी इस वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो।